साध्वियों के यौन शोषण मामले में सुनारिया जेल में सजा काट रहा गुरमीत राम रहीम गुरुवार की शाम को फिर सुनारिया जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। डीएसपी सज्जन सिंह के नेतृत्व में रोहतक पुलिस की विशेष टीम राम रहीम को करीब शाम 6:30 बजे सुनारिया जेल लेकर पहुंची। अब राम रहीम का स्वास्थ्य ठीक बताया जा रहा है। राम रहीम को सीबीआई की विशेष अदालत ने साध्वियों के यौन शोषण का दोषी करार दिया था, जिसके चलते उसको 20 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद पंचकूला से रोहतक की सुनारिया जेल लाया गया था, तभी से राम रहीम जेल में हैं। 6 जून को स्वास्थ्य कारणों के चलते राम रहीम को पुलिस की एक टीम गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल लेकर गई थी, जहां 4 दिन इलाज चला। मेदांता अस्पताल में राम रहीम का 2 बार कोरोना टेस्ट हुआ। पहले टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि दूसरे टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव आई थी। गुरुवार को जांच पड़ताल के बाद अस्पताल की ओर से राम रहीम को छुट्टी दे दी गई। इसके बाद पुलिस उसे लेकर रोहतक के लिए रवाना हुई, जो शाम को सुनारिया जेल पहुंच गई। आपको बता दें कि राम रहीम का इलाज रोहतक स्थित PGIMS के 11 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम कर रही थी। न्यूज़ डेस्क।